वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज आपां गल पौद्यां दे संदर्भ विच करनी है जिसका संबंध सीधे सीधे तौर पर गरीबी दे नाल पैसे दे नाल भी है। अज अपनी गलबात का विशा है कि सावन दे विच किहड़े पौधे ने जिन्हां नूं घर दे बाहर लाइए घर दे सामने लाइए जिस नाल गरीबी दूर हो जाएगी। सावन का महीना ना सिर्फ पूजा पाठ के पक्ष तो ही महत्व रखता है, नाल दी नाल इह फसलां लई इह पेड़ पौद्यां लई बनस्पति दे लई बड़ा ही लाभदायक साबित हुंदा है। इस महीने दे विच मीह पैण दे नाल बारिशां होण दे नाल इह बहुत सारी बनस्पति नूं पेड़ पौद्यां नूं बूटियां नूं एक वरदान दे रूप विच लगदा है। बहुत सारे विद्वान लोग वख-वख विशेयां ते जिन्हां दी बहुत मजबूत पकड़ है वो कुछ बूटे लाने की सलाह देंगे ने, कहते हैं कि अपने घर के सामने अपने घर के भी ला सकते हैं। उन्होंने सब तो पहला जिक्र कहें कि जिहड़ा बेल पत्ते का पौधा है वह कहते हैं कि इस दे नाल घर दे विच समृद्धि आती है, घर दे विच माया आती है, पैसे का घर दे विच आन जान हो जाता है, वड्डे रूप में आता है तो बहुत थोड़ी मात्रा में घर विचों जाता है बेल का पौधा लाने के नाल। दूसरा कहिंदे ने कि शम्मी पौधा लाना चाहिए है। पुराणिक मानतावां अनुसार शम्मी का पौधा वख-वख संदर्भां दे विच बड़ा शुभ मनिया गया है, बड़ा महत्वपूर्ण मनिया गया है। ये कहिंदे ने कि खुशहाली का प्रतीक है ते नाल दी नाल परमात्मा का आशीर्वाद भी हुंदा है इस पौधे विच। इस करके ये उत्थे लाओ जिथों तुहाडियां अखां इस नूं देख सकन, इथों आशीर्वाद प्राप्त कर सकन। अगला है धतूरे का पौधा। वह कहिंदे ने कि बहुत सारे लोगों के मन में यह गल है, बहुत सारे लोग इस गल्ल नूं मनदे ने कि इस पौधे दे उत्ते परमात्मा का खास किस्म का प्यार हुंदा है। इस नूं घर दे विच नहीं घर दे बाहर लाउणा चाहीदा है, इस तरीके नाल परमात्मा की कृपा बनती है। अगला है पिप्पल का पौधा। पिप्पल का पौधा जिथे धार्मिक मानतावां दे विच बहुत खास महत्व रखता है, उसके नाल ही ये वख-वख तरीकों के नाल मनुख की सेहत लई भी बड़ा लाभदायक साबित हुंदा है। खास करके कुछ लोग ये मानते हैं कि बच्चों के लिए बहुत वधिया इहदे विचों हवावां निकलदियां ने। कुछ लोग तो इसनों होर बहुत लंबे संदर्भ में ले जाते हैं कि इसकी परिक्रमा भी करो, सरों के तेल का दीवा इसके थले हर शनिवार लगाओ। वो वक्रिया गलों ने आप मननियाँ कि नहीं, वो बाद की गल है, पर पिप्पल के पौधे के बहुत सारे फायदे ने। धार्मिक पक्ष में इस वे एक बार अखों परोखे भी कर दो, उसके बावजूद भी इसके लखों की गिनती में फायदे ने। अगली गल कहें कि तुलसी का बूटा लाओ। तुलसी का बूटा कहें हर धर्म के लगभग इसमें शुभ मनिया गया है, तो इस दिनों के लाने इसकी बहुत वधिया तरीके इसका पालन पोषण हो जाता है, कोई होर खास ध्यान देने की लोड़ नहीं। तो कहें कि यह भी परिवार के खुशहाली लैके आता है, खुशियां लैके आता है। सो इन बूटिया की जी सलाह ने बहुत सारे विद्वान लोग देंगे ने जिन्हों की वख-वख विषयों पर बड़ी मजबूत पकड़ है। हुण वो नाल दी नाल भी जिक्र करते हैं कि इन्हां चीज़ां नूं वहम भरम दे नाल जोड़ के ना देखो, ये अपनी इच्छा मुताबिक है। एक गल तक साफ है कि हर एक प्राणी जिसने इस धरती के उत्ते जन्म लिया है उसनूं कुदरत ने बड़ा कुछ दिता है, तो उसका फर्ज बनता है, उसका हक बनता है कि वह कुदरत दे विच कुछ ना कुछ अपना योगदान पावे, बूटे लावे, पेड़ पौधे लावे। सो पेड़ पौधे लाने जे ये आप ला लवेंगे कोई फर्क नहीं पैना, पर हो सकता है जे आप इस वहम भरम ना मनीए तो हो सकता कोई ना कोई अपने लिए इन बूटों विचों साडे लई चंगा सिद्ध हो जाए। सो वहम भरम की अख नाल ना देख के इसनों सिर्फ यही देखिए कि यह साडा कुदरत लई प्यार है, परमात्मा के चरणों में आप अपना योगदान दे रहे हैं क्योंकि परमात्मा ने सानू बड़ा कुछ दिता, उसके बदले में असी कुछ ना कुछ हक अपना अदा करने की कोशिश करते हैं।